नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ जेबा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की तरफ। लखनऊ से लौट रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तथा युवक अध्यक्ष सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की लखनऊ मुख्यालय पर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए जिला अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव तथा युवा जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सनी यादव जिलाध्यक्ष की फॉर्च्यूनर गाड़ी से लखनऊ गए थे। वहां से वे अपने अन्य साथियों अजय सिसोदिया, अनिल तिवारी, अनिल सेम आदि के साथ वापस लौट रहे थे। जिला अध्यक्ष आगे वाली सीट पर बैठे थे, जबकि उनके ठीक पीछे धीरेन्द्र सिंह यादव बैठे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी जब कालपी पुल के पास पहुंची, तब अचानक गाड़ी के आगे जा रहे एक डंपर के चालक ने ब्रेक लगा दिया। इससे पहले कि जिलाध्यक्ष की गाड़ी का चालक गाड़ी को संतुलित कर पाता, गाड़ी पीछे से डंपर पर जा घुसी। इस दुर्घटना में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव तथा युवा अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव को मामूली चोटें आईं, जबकि गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। झांसी से दीपक चंदेल की रिपोर्ट।